चीन के बैंक धराशायी हो चुके हैं। चीन की तेल कंपनियां अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं। चीन में लोगों के खाने के लाले पड़ रहे हैं। चीन के 5 बड़े बैंक ज्यादा गिरावट देख रहे हैं। हर महीने इनमें 10% तक गिरावट आ रही है। ये 5 बैंक चीन के इंडस्ट्रियल और ग्लोबल बैंक में गिने जाते हैं। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ कम्युनिकेशन। पेट्रो चाइना को भी $4.5 बिलियन का नुकसान हो चुका है। बीजिंग और चीनी सरकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को $1.5 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है, जो तकरीबन $219 बिलियन के बराबर है। और इससे उबरने के लिए चीन की सरकारी बैंकों ने धूल की तरह पैसा झोंकना शुरू कर दिया है। चीन इस वक्त बैड लोन और नॉन परफॉर्मिंग लोन पर पैसा झोंक रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो सिर्फ एक साल में चीन में $480 बिलियन का बैड लोन या नॉन परफॉर्मिंग लोन हो चुका है। अब तेल की बात करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी साइनोपैक ने $3.2 बिलियन का नुकसान झेला है। ये साइनोपैक का किसी छमाही में सबसे बड़ा नुकसान है। चीन की सबसे बड़ी तेल उत्पादकों में से एक पेट्रो चाइना को 29.98 बिलियन युआन यानी तकरीबन $4.5 बिलियन का नुकसान हो चुका है। चीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त है उसके देश में भारी खाने पीने की किल्लत। चीन में शी जिनपिंग को क्लीन योर प्लेट कैंपेन चलाना पड़ रहा है ताकि इस किल्लत को दूर किया जा सके। यानी चीन का कोई भी नागरिक खाने को बर्बाद नहीं करेगा और चीनी सरकार इसे सरकारी बाध्यता बनाने जा रही है ताकि जिनपिंग खाने की किल्लत को दूर कर सके। शी जिनपिंग अपने लोगों से अपील कर रहे हैं कि कुछ महीनों के लिए जितना कम हो सके उतना कम खाएं। जिनपिंग के खाने का फॉर्मूला सुनकर चकरा जाएंगे आप। जिनपिंग ने लोगों से कहा है कि अगर किसी रेस्टोरेंट में 4 लोग जा रहे हों तो वहां सिर्फ 2 या 3 लोगों का खाना ही ऑर्डर करें। इस कैंपेन की वजह से चीनी नागरिकों में हाहाकार मच गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट की माने तो चीन के किसानों को भारी सूखे की मार झेलनी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ बाढ़ से तबाही मची है। जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई, हालात को देखकर उन्होंने फसल बेचने से मना कर दिया है। लोगों को पैनिक होने से बचाने के लिए सीनियर एग्रीकल्चर मिनिस्टर को लोगों को भरोसा देना पड़ा कि वो खाने और तेल को लेकर पैनिक ना हो। चीन में खाने पीने की कीमतें तकरीबन 2 गुनी बढ़ चुकी हैं सिर्फ 2 महीने के भीतर। खाद्यान्न का तकरीबन 10% हिस्सा हेनान प्रांत से आता है, लेकिन हेनान प्रांत के किसानों ने खाद्य पदार्थों को जमा करना शुरू कर दिया है। खाद्यान्न की खरीदारी में 44% तक गिरावट आ गई है। पिछले साल उत्तर बीजिंग और शांसी में 42.9 मिलियन टन खाद्य पदार्थ खरीदे गए थे, लेकिन इस साल अगस्त में सिर्फ 9.4 मिलियन टन खाद्यान्न ही खरीदे गए। चीनी सरकार का एक और झूठ इससे पकड़ा गया। जिनपिंग सरकार लोगों को खाने पीने का सामान का भरपूर स्टॉक होने का दिलासा दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ चीन ने इस साल जनवरी से जुलाई महीने तक 74.51 मिलियन टन खाद्यान्न आयात किया है, पिछले साल से तकरीबन 23% ज्यादा, जिससे खाद्यान्न की कमी दूर की जा सके।